आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरीवन हमारे पास क्वेश्चन है खराश इफेक्ट रिगार्डिंग एडिशन ऑफ HBR इज नॉट ऑब्जर्वड इन तो जो खराश इफेक्ट होता है इसको हम एंटी मार्कोनिक रूल के नाम से भी जानते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो इस रिएक्शन के अंदर क्या इस मार्को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर क्या होता है एक एग्जांपल लेके स्टडी करते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आए तो प्रोपीन का एग्जांपल ले लेते हैं प्रो तो, तो प्रोपीन की रिएक्शन जब एच के साथ होगी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरऑक्साइड तो जो नेगेटिव पार्ट होगा एच का मतलब की प्रोमाइड आयन वो उस कार्बन आइटम पे जाके अटैच होता जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है मतलब कि इस कार्बन आइटम के पास जाके अटैच होगा और हाइड्रोजन इस कार्बन आइटम के पास तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा जब एच रिएक्शन करेगा प्रोपीन के साथ तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा सी ch2 थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर तो ब्रोमीन उस कार्बन आइटम के पास गया जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे और ये मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल उसी एल्कीन के अंदर फॉलो होता है जो एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो अब इसी के बेसिस पे अगर हम जो चार कंपाउंड्स दिए हुए हैं ऑप्शन के अंदर वो वन बाय वन कंसिडर करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास हैक्स वन इन मतलब कि सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल हैक्स वन इन तो जब इसकी रिएक्शन एच के साथ होगी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है और कार्बन एक कार्बन आइटम के पास ज्यादा हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के अंदर तो ब्रोमीन उसी पोजीशन पे जाके सबसी हो जाएगा तो ब्रोमीन यहाँ पे जाके सब्सीट्यूट हो गया और हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन आइटम पे और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया वन ब्रोमो हेक्सेन अब इसका अब जो हमारा क्वेश्चन था उसमें कह रहा था कि किसके अंदर ऑब्जर्व नहीं हो रहा बट इसके अंदर ऑब्जर्व हो रहा है तो ये हमारा ऑप्शन मतलब कि गलत हो गया सेकेंड ऑप्शन कंसिडर करें जो कि हमारे पास है हेक्स टू इन तो हेक्स टू इन का मोलिकुलर फॉर्मूला सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री इसकी रिएक्शन एच बी आर के साथ करेंगे तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी क्योंकि ये मॉलिक्यूल एक इस समय अनसिमेट्रिकल है तो ये दो प्रोडक्ट्स दे सकता है हमें एक बारी ब्रोमीन टू पोजीशन पर एक बारी ब्रोमीन थ्री पोजीशन पर तो ये हमें दो प्रोडक्ट देगा जो कि होंगे सी एस थ्री सी एच बी आर सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी थ्री प्लस अब थ्री पोजीशन पे भी देगा हमें प्रोडक्ट एक एक प्रोडक्ट ये हो गया और एक प्रोडक्ट ऊपर हमने डिस्कस कर लिया तो थ्री ब्रोमो हेक्सेन और टू ब्रोमो हेक्सेन प्रोडक्ट हो जाएंगे हेक्स टू इन के सिमिलर अब इसके इसके अंदर भी पेरॉक्साइड अफेक्ट ऑब्जर्व तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया थर्ड स्टेटमेंट थर्ड ऑप्शन किया हमारे पास हेक्स थ्री इन हेक्स थ्री इन का मॉलिकल फॉमला सी एस थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एस थ्री तो ये एल्किल मॉलिक्यूल क्या है इस समय एक सिमेट्रिकल एल्किन है चाहे उसको लेफ्ट से देखो चाहे उसको राइट से देखो और जब एच बी आर पेरॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो ये एक ही प्रोडक्ट देगा क्योंकि जो ब्रोमीन है उसको सिर्फ एक छोटा नंबर देना होता है तो छोटे नंबर के बेसिस पे ही हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि होगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच बी आर सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री तो जो प्रोडक्ट आया वो क्या है हमारे पास थ्री ब्रोमो हेक्सेन अब इसके अंदर मार्कोनिक रूल फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि अगर अनसमेट्रिक लल्किन होता तो वो दो प्रोडक्ट दे रहा था और ये हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दे रहा है तो इसके सिर्फ क्या कहेंगे इसके अंदर ऑब्जर्व नहीं होगा तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और लास्ट ऑप्शन क्या है इस समय पेंट वन इन पेंट वन इन का फॉर्मूला सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री क्योंकि ये फाइव कार्बन कार्बोनाइटम चेन है तो फाइव कार्बन कार्बोनाटम की चेन बना दी डबल बॉन्ड के साथ एच बी आर की प्रेजेंस में पेरोक्साइड की साथ करनी है रिएक्शन अब यहाँ पे कार्ब एक कार्बन आइटम के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, है तो ब्रोमीन उस पर जाके सब्सिट्यूट हो जाएगा और हाइड्रोजन दूसरे कार्बन आइटम पे प्रोडक्ट क्या देगा वन वन ब्रोमो पेंटेन और तो इसका मतलब क्या हो गया इसके अंदर भी पेरोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व हो गया तो ये भी स्टेटमेंट ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा था कि जिसके अंदर एच बी आर एडिशन ऑब्जर्व नहीं होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी हेक्स थ्री इन क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है थैंक यू ओप यू लाइक इट क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल का दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड कर डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर